हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप जो अभी सुन रहे थे ये डब की आवाज़ है दोस्तों। बहुत ही प्यारा वॉइस होता है दोस्तों इनका। डब अगर आप घर में रखे हैं तो इतना सुंदर साउंड आपको सुनने के लिए मिलेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। मेरे ख्याल से मुझे तो ये साउंड इतना पसंद है, इस वजह से मैं इस डब पेयर को शुरू से लेकर के अभी तक रखा हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, इस पेयर का जो उम्र है ये करीबन मेरे यहाँ 4 साल हो गया, और इसके बाद मुझे डब का आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बोल करके मैंने एक पेयर और ऐड किया है, छोटे वाले डब, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये इतना सुंदर साउंड निकालता है दोस्तों कि दिल खुश हो जाता है। ज़्यादातर ये एकांत में और शांत में ही ज़्यादा आवाज़ निकालते हैं। नए लोग अगर इसके संपर्क में आते हैं तो ये लोग आवाज़ बहुत कम निकालते हैं, लेकिन जब आप घर का माहौल शांत हो, आंगन में बैठे हों, ये देखिए इस टाइप का हम जब आंगन में बैठे रहते हैं या तो फिर थोड़ा सा मौसम नरम गरम होता है इस टाइप का, तो फिर हम लोग यहाँ जब बैठते हैं तो बहुत ही प्यारा साउंड इनका आते रहता है, और ये बिल्कुल नहीं डरते हैं। ये एक कबूतर की प्रजाति है दोस्तों, कबूतर जैसा ही साउंड करता है ये। इसको अपन छत्तीसगढ़ या इधर पड़की करके बोलते हैं, और डब इनको आप अगर गूगल पे सर्च करें तो डब करेंगे तो ये अमेरिकन डब में ये वाइट में आ जाएगा, और एक दिखाएंगे आपको अभी डायमंड डब। एक्चुअल में इनको मैंने इस टाइप का सेटअप दिया है दोस्तों कि इनको भी लगे कि यहाँ नेचुरल एनवायरनमेंट है टाइप का। ये देखिए, जस्ट यहाँ पे मैंने इनको मनी प्लांट और ये पौधा वगैरह यहाँ पे दे दिया है, और ये रहा हमारा डायमंड डब का जो सेटअप है। इसको मैं दूर से दिखाता हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छा लगेगा। डायमंड डब एक्चुअल में बहुत छोटे रहते हैं, ये लोग एडल्ट हो चुके हैं। ये इतने छोटे रहते हैं दोस्तों कि घर में जो अपने यहाँ बंगला में चौड़ई बोलते हैं, यहाँ गुढ़ेला बोलते हैं, या तो फिर छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं उसके टाइप के, उसके साइज़ में। देखिए इसका नेचुरल जो है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये यहाँ पर, है ना। तो इसको हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। ये लोग भी साउंड करते हैं, लेकिन उनके जितना इनके वाइट डब इतना, ये लोग जो हैं वाइट डब इतना अच्छा क्लीन आवाज़ नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने हिसाब से सेम आवाज़ निकालते हैं, लेकिन इनका वॉइस जो है थोड़ा सा कम रहता है दोस्तों, लेकिन बहुत अच्छा रहता है। ये नीचे में जो चिल्ला रहा था ये मेल का आवाज़ है, फीमेल जो है चिल्लाती है, लेकिन ऐसा एकदम क्लीन नहीं चिल्लाती है, थोड़ा सा कम चिल्लाती है। अगर बात करें इनके घोंसले की, तो इनका घोंसला अगर आप देखें तो 1.5 फीट बाई 2 फीट, और हाइट अगर 2 फीट रखे हैं तो फिर आसानी से आप इनकी ब्रीडिंग करा सकते हैं, पर हमने थोड़ा सा बड़ा दिया है इनके हिसाब से। देखिए हमने इनको बड़ा थोड़ा सा दिया है, बड़े देने से क्या है कि ये लोग अच्छे से ब्रीड कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने इनको घोंसला दिया है बैठने के लिए, ये अलग से छोटा सा टब दिया है। उस टब में भी कारण है दोस्तों कि अगर एक ही टब था उस वजह से दो तीन बार अंडे वगैरह नुकसान हो गए हमारे, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता था। इस बार हर बार हम क्या करते हैं आपको दिखा रहे हैं, ये जैसे कि मैंने डब का इसको केज को खोल लिया, और इसमें अगर मेरे को देखना है तो देखिए यहाँ पे सिस्टम, ये कितना अच्छे से मैंने इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब बाहर निकाल करके मैंने यहाँ देखा कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए नहीं चाहिए, जैसा भी है। यहाँ पे इनको साफ़ सफाई करने में बहुत आसानी होगी, ये देखिए। ये अब पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था कि उसी में वो लोग बैठते थे, उसी में सब करते थे, तो पहले के मार्फत थोड़ा सा नुकसान होता था। साथ में यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं जैसे देख पा रहा हूँ, पिछली बार जो बच्चा हुआ था उसको नुकसान के तौर पे चींटी नुकसान कर दिया मुझे लगता है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा, अब क्या है ये लोग बालू वगैरह को भी खाते हैं ना, तो थोड़ा दिक्कत होता है। अब चींटी को कैसा निकाला जाए यहाँ से, वो भी देखना समझना पड़ेगा इसके लिए अलग से। फिर फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा था, इसमें नीम का पत्ता वगैरह मिलाना पड़ेगा। ये देखिए, ये सफाई करके हम लोग इसको यहाँ रगा दिए, ये ऐसा,
अब बच्चे निकाल करके देखने में आसानी, क्योंकि वो तार के साथ फिक्स है दोस्तों अलग से, और ये केज हमने यहाँ इस टाइप का ये लगा दिया, ये फंसा दिया, ये केज यहाँ पे जाम हो गया। पानी जो है पानी ऑटोमेटिक है, जितना पियेंगे दाने दाना ये इस टाइप का, वो उसमें बॉयलर फीड वगैरह है। अब आ जाते हैं डायमंड डब के यहाँ। डायमंड डब का भी दो सेटअप है दोस्तों, एक यहाँ पर पानी देने का है, ऐसा जब ये निकलता है तो फिर ये ऐसा बंद हो जाता है, इसमें नुकसान नहीं होता है, नुकसान का मतलब है उड़ नहीं पाते हैं डायमंड डब लोग, अलग से निकल नहीं पाएंगे। ये दाना देने का है, ये पानी देने का है, लेकिन इन्होंने ये शुरू में समझ नहीं पाए थे दाना देने का और पानी देने का कौन सा है बोल करके, उस वजह से हम इनको कटोरी में नीचे में, ताकि वो लोग बढ़िया नहा भी सकें, गर्मी का दिन है। और ये जो है देखिए, हमने उनको दाना दिया है, ये अलग से बैठे हैं, ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस टाइप का चाहें तो आप सेटअप बना सकते हैं। मनी प्लांट को भी हमने देखिए यहाँ से लेकर के ऐसा करके पूरा यहाँ ठंडक गिरते रहे, ऐसा घर के साउंड में। डब जो है बहुत प्यारा साउंड निकालता है, घर के आंगन में अगर आप रखे हैं तो बहुत ही अच्छा आपको भी फील आएगा, और सामने में देख रेख भी हो जाएगी क्या प्रॉब्लम आ रही है। इनको भी देखिए, हमने वहाँ पर एक बैठने का दिया हुआ है जहाँ पे ये लोग अंडा उंडा करेंगे। ये लोग बहुत छोटी जगह बनाते हैं दोस्तों, और ये लोग यहाँ बहुत अच्छे से अंडा करते हैं। अब मेल फीमेल की बात करें तो देखिए, ये मेल है, मेल फीमेल से थोड़ा सा छोटा होता है डायमंड डब में, और उनके आँखों के पास रिंग होती है और ज़्यादा दाने होते हैं उनके आँखों के ऊपर ऊपर में, और थोड़ा सा कलर डार्क होता है। अब मैं बात करूँ फीमेल की, तो फीमेल देखिए थोड़ी बड़ी होती है, चोंच हल्का सा उससे जो है वो होता है पतला, और उसके साथ साथ में यहाँ पर अगर हम देखें तो उसका थोड़ा पिंक शेड में रहेगा और उतना ज़्यादा डार्कनेस नहीं दिखेगा। मेल का मैच्योरिटी टाइम जितना बड़ा होगा, मेल जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसका रिंग जो है भारी होता जाएगा, और फीमेल जो है इस टाइप के, ये उसका रिंग हल्का लाइट ही रहेगा, ज़्यादा लाइट नहीं रहेगा दोस्तों। तो ये तो है, ये देखिए डायमंड डब का सेट है, और ये अमेरिकन वाइट डब का सेट है। आज मैंने आपको दो डब दिखाए दोस्तों, ये बिल्कुल कबूतर नहीं है, देसी कबूतर के साइज़ में रहते हैं ये लोग, लेकिन ये लोग कबूतर नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज डब के ऊपर था, रख रखाव और देखभाल के हिसाब से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, कैसा लगा आपको? बिल्कुल देखिए हमारा नर्सरी गार्डन वगैरह, माहौल थोड़ा ठंडा रहता है घर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।